हे एवरीवन, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे एंड हेल्दी होंगे। सो फ्रेंड्स, हमें पता है कि अभी ज्योतिश्री और मनोज थे, ये दोनों अपने लाइफ पार्टनर बन चुके हैं। ये दोनों अब शादी कर चुके हैं एंड शादी के बंधन में बन चुके हैं एंड फिलहाल ये गोवा में अपना हनीमून सेलिब्रेट कर रहे हैं। बट जैसे कि हमें पता है कि मनोज जी ने खुद अपने एक वीडियो में बताया कि उन्होंने क्यों शादी अचानक से और इतने जल्दबाजी में की, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग उनके फैमिली वाले इस शादी के लिए राजी नहीं थे। वे दोनों का कास्ट अलग अलग था और इस वजह से उसके दोनों के फैमिली मेम्बर इसके लिए खुश नहीं थे। इस वजह से उन्होंने भाग के और मंदिर में शादी कर ली। लेकिन कहीं ना कहीं इनके फैंस का ये भी कहना है कि अगर उन्हें ये पता था तो फिर अचानक से उन्होंने शादी क्यों की? अगर उन्हें शादी करना ही था तो वो अपना, क्योंकि वो बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, उनके पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है। एंड ज्योतिश्री मातो ने खुद ये बताया कि उन्हें अपनी शादी में बहुत कुछ करना था, लाइक उन्हें अच्छे से रेडी होना था एंड एक ब्राइड के रूप में, और जैसे नॉर्मल सबकी शादी होती है बहुत धूमधाम से उसे अपनी शादी करनी थी। ये शादी तो वे अपने फैमिली मेम्बर्स के बिना भी कर सकते थे, बट इतने सडनली उन्होंने शादी की, इस वजह से उनके फैंस ने नेगेटिव कमेंट करना भी शुरू कर दिया है। कुछ लोगों का कहना है कि वो पहले से प्रेग्नेंट थी, इस वजह से उन्होंने अचानक से इतनी जल्दबाजी में शादी कर ली। सो मेरी तरफ से तो उन्हें शादी की बहुत बहुत बधाइयाँ। एंड अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय।